मैं जेपी मिश्रा माता खीर भवानी दरबार में आने के लिए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन हम दोनों भाग्यशाली, हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि माता खीर भवानी के दरबार में आने का अवसर मिला है। हमारा लखनऊ से आने का यहाँ अब की बार 35वां साल है। 35 साल हुआ मुझे यहाँ लंगर लगाते हुए माता खीर भवानी में, और इस लंगर का सारा श्रेय जाता है यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के CRPF के अधिकारियों को, यहाँ खास करके यहाँ पर तुलमुला के गांव के लोग जो है हमारे इतने करीबी हैं कि इनके बिना इनके ही बल पर मैं यहाँ यात्रा संपन्न कराता हूँ और लंगर लगाने का कार्यक्रम संपन्न करता हूँ। मैं आने वाले यात्रियों से, अमरनाथ यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि बेहिचक वो अमरनाथ यात्रा आएँ, खीर भवानी में आएँ। यहाँ किसी प्रकार का कोई भय की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोग सभी आएँ और माता खीर भवानी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। मैं बहुत दिन हो गया ये कहते कहते कि लोग, तमाम लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में जाने पर डर लगेगा, कुछ होगा, ऐसा होगा। मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों का व्यवहार इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। जब आप आएंगे तब तो एक्सपीरियंस होगा, अनुभव करेंगे आप। तो यहाँ पर आप लोग सादर आएँ और माता खीर भवानी अमरनाथ का दर्शन करें और यहाँ के कश्मीर के वादियों का आनंद लेते हुए यहाँ के माता के दर्शन का आशीर्वाद पाएं। मैं एक चीज़ अपने यात्रियों को बताना चाहता हूँ कि माता खीर भवानी दरबार में यहाँ लंगर लगाने का मकसद सिर्फ है कि हमारे यात्रियों को फ्री में भोजन, फ्री में रहने की व्यवस्था, फ्री में मेडिसिन दवाई, कंबल, सारी व्यवस्था इंतजाम यहाँ माता खीर भवानी सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग आएँ। मेरा एक्सपीरियंस इतना बड़ा यहाँ पर है, चाहे जितने भी यात्री आवें, हर साल यहाँ पर चाहे जितने भी यात्री आवें, हमारा बंदोबस्त इतना बढ़िया कि अगर 10,000 यात्री भी पर डे आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ये मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग सभी आएँ, माता के दरबार का आशीर्वाद पाएँ और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सभी को। 35 सालों में आपको क्या लगा, इस साल क्या चीज लग रही है आपको? यहाँ आने पर ये लगा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पूरी घाटी में शांति है और बहुत परिवर्तन हुआ है यहाँ पर किसी। और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के लोगों का योगदान जो है, यहाँ कश्मीरी जो लोग हैं हमारे भाई, सब मिल करके यात्रा को संपन्न कराते हैं। किसी प्रकार की कोई डर भय नहीं है। आप लोग यहाँ आइए और यहाँ सब मिलजुल करके भाईचारे का समझौता करते हुए आगे की यात्रा पूरा करें। किसी प्रकार की कोई डर भय नहीं और यहाँ रुकने का बंदोबस्त बढ़िया है, खाने का इंतजाम फ्री में मुफ्त है, पानी का इंतजाम, खाने के इंतजाम, दवा के इंतजाम, कंबल के इंतजाम, रुकने का इंतजाम, सारी व्यवस्था फ्री में यहाँ हो रही है। आप लोग आइए और यहाँ माता के दर्शन को पाइए।